हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। 3 महीने तक के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक में लिया गया ये अहम फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि मार्च 2022 तक के लिए ये योजना लागू की गई है, अब जून तक ये जारी रहेगी। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अगले 3 और महीनों तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश 15 करोड़ लोगों को दाल, नमक, चीनी के साथ साथ खाद्यान्न मिलता रहेगा। योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी। माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने पेश किया 75,800 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट, कहा 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का है लक्ष्य। जी हां, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। सिसोदिया के पास डिप्टी सीएम के अलावा वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, इसलिए बजट उन्होंने ही पेश किया है। उनके बजट में रोजगार को प्रमुखता दी गई है। बजट पेश करने के दौरान सिसोदिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं को जॉब्स देने के लिए तैयार करना है। दिल्ली के लिए मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बजट में स्थानीय निकायों के लिए 6,154 करोड़ रुपए हैं। बजट पेश करने के दौरान सिसोदिया ने पिछले 7 बजटों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी ओर से पेश होने वाला 8वां बजट है। इससे पहले केजरीवाल के नेतृत्व में जो 7 बजट आए हैं उससे दिल्ली को काफी फायदा मिला है। दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए हैं, लोगों को 0 बिल पर भी बिजली मुफ्त मिल रही है। इसके अलावा मेट्रो सुविधाओं में भी विकास हुआ है। सिसोदिया ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि रोजगार बजट के जरिए हमारी सरकार का लक्ष्य दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का है। ये नौकरियां रिटेल सेक्टर, खाद्य और पेय, रसद, यात्रा और पर्यटन, अचल संपत्ति और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दी जाएगी। 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाएं हो जाएंगी महंगी, 10.7% बढ़ेंगे दाम, एनपीपीए ने दी इसकी मंजूरी। जी हां, आम आदमी को महंगाई से निजात मिलती नहीं दिख रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के साथ साथ अब 800 जरूरी दवाएं भी 1 अप्रैल 2022 से महंगी होने जा रही है। ये जरूरी दवाएं 1 अप्रैल से 10.7% महंगी हो जाएंगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनपीपीए ने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी कि आम आदमी पर महंगी दवाओं की मार पड़ने वाली है। खबर के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी के चलते दवाएं महंगी होंगी। कहा जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। देश में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का दवा बाजार है। इसमें अधिसूचित दवाओं की हिस्सेदारी 18% है। इसे साल 2013 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी माना जा रहा है। हालांकि साल 2016 में कीमतें कम भी करनी पड़ी थी। अभी तक 0.5 से 4% तक ही बढ़ोतरी हुई थी। महंगी होने वाली दवाओं की लिस्ट में एंटीबायोटिक, विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित दूसरी दवाएं भी शामिल हैं। पीयूष गोयल ने कहा, पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल रहा है आत्मनिर्भर भारत। जी हां, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना पूरी दुनिया के लिए देश के दरवाजे खोल रही है और हर सरकारी कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को मजबूत बनाना है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए गोयल ने कहा कि सरकार भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में सेंटर स्टेज पर वापस लाने में सफल रही है। मुंबई में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2022 को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार का पूरा जोर हर क्षेत्र में देश की ताकत बढ़ाने पर है। इसमें सफलता भी मिली है। सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है कि देश ने $400 माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार करीब $300 अरब के आसपास था, इतना कि तत्कालीन सरकार को रुपए को मुक्त गिरावट से बचाने के लिए $34 अरब जुटाने की योजना बनानी पड़ी थी।
महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 31 मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान होगा शुरू। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतें बढ़ने के मुद्दे पर कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 3 चरणों में धरनों के साथ शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को भगाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की है। सुरजेवाला ने यह भी बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सुरजेवाला ने कहा कि लगातार हो रही ईंधन की लूट आम आदमी की जेब को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे विपक्ष के नेता। सपा विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। जी हां, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता और विपक्ष का नेता चुना गया है। बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से सपा विधायक दल का नेता चुना गया। विपक्ष के नेता के चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा में की जाएगी। पार्टी लिखकर भेजेगी और ये प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी। अखिलेश यादव बीते दिन आजमगढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं और वे आजमगढ़ से सांसद के पद से इस्तीफा देकर विधायक बने रहने का उन्होंने मन बनाया है। एयरटेल 5G रोल आउट के लिए है तैयार। 4G जितनी ही होगी नए प्लान्स की कीमत। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने दावा किया है कि यह स्पेक्ट्रम की नीलामी होने और सरकार से अनुमति मिलते ही 5G सेवाएं देना शुरू कर देगी और रोल आउट के लिए तैयार है। भारत में 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी मई महीने में हो सकती है। कंपनी ने कहा कि वह पिछले करीब 15 महीने से 5G से जुड़े हुए ढांचे पर काम कर रही थी, जो कि अब सेवाएं देने के लिए तैयार है। कंपनी CTO रणदीप सेखो ने इंडिया टुडे से बताया कि एयरटेल की 5G सेवाएं रोल आउट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही 5G रोल आउट शुरू होने वाला है। सरकार नीलामी की डेट आगे बढ़ा रही है। एक बार सरकार की ओर से हमें स्पेक्ट्रम मिलते ही हम रोल आउट शुरू कर देंगे। हमने पिछले 15 महीने इसके लिए ढांचा तैयार करते हुए बिताए हैं, जो कि अब तैयार हो चुका है। नए प्लान्स की कीमत से जुड़े हुए संकेत देते हुए रणदीप ने कहा कि हमें स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद प्लान्स की कीमत पता चल जाएगी। आप दूसरे मार्केट्स को देखें, जहां 5G सेवाएं मिलना शुरू हो गई हैं, तो हमें 4G के मुकाबले प्रीमियम कीमत दिखती है। हालांकि 5G प्लान्स महंगे न होने पर यूजर्स ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मुस्कुराकर दिया गया नफरती भाषण अपराध नहीं। जी हां, दिल्ली में दिए गए नफरती भाषणों से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावों के दौरान दिए गए भाषण आम समय के भाषणों से अलग होते हैं और कई बार माहौल बनाने के लिए चीजें बोली जाती हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुराकर कह दी गई है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर आक्रामक रूप से बोली गई है तो यह आपराधिक हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट CPIM नेत्री वृंदा करात की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इन दोनों नेताओं पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। ठाकुर ने एक रैली में आपत्तिजनक नारे लगवाए थे, जिस पर तब खूब विवाद हुआ था। कोर्ट ने कहा कि क्या ये चुनाव के दौरान दिए गए भाषण थे या फिर साधारण समय में। अगर चुनाव के दौरान कोई भाषण दिया जाता है तो यह अलग चीज है। अगर आप साधारण समय में भाषण दे रहे हैं तो यह किसी को भड़का सकता है। चुनावी भाषणों में नेता बहुत बातें कहते हैं जो गलत है, लेकिन हमें इसकी आपराधिकता देखनी होगी, नहीं तो चुनावों के दौरान नेताओं के खिलाफ हजारों FIRs दर्ज हो जाएंगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं। जी हां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने UPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, लेकिन कोरोना से संक्रमित हो जाने के कारण मुख्य परीक्षा में सभी पेपरों के दौरान उपस्थित नहीं हो सके थे। अब वे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त मौके का अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या
गुवाहाटी ने जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ए एस ओका की पीठ से कहा कि हमने एक हलफनामा दायर किया है, अतिरिक्त मौका संभव नहीं है, हमने इस पर विचार किया है। यूपीएससी ने हाल ही में शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित डेट पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थ होना समेत किसी भी कारण से फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 2030 तक ड्रोन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर वन हो जाएगा भारत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 2030 तक ड्रोन बनाने में विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर नींव तैयार कर दी गई है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 में सिंधिया ने कहा कि बेड़े के आकार, एयरपोर्ट्स और नए रूट्स के अलावा भारत मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, कार्गो उड़ान और प्रशिक्षण संगठन और ड्रोन के इकोसिस्टम का भी विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत में बेड़े के आकार, विमान, हवाई अड्डों के निर्माण, नए मार्गों और विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि के लिए बहुत आशावादी हूं। फिर चाहे वह एमआरओ, कार्गो, एफटीओ और ड्रोन हो, ड्रोन सेक्टर में भारत की कैपेसिटी और डेवलपमेंट की संभावनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पीएम ने कहा है कि भारत में साल 2030 तक ड्रोन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। सपा विधायकों की बैठक में शिवपाल सिंह यादव को न्योता नहीं, बोले मुझे बुलाया नहीं गया। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच रिश्तों में आई दूरी कम हो गई थी। चाचा भतीजे ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव और प्रसपा के नेता शिवपाल सिंह यादव के रिश्तों में रार नजर आने लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी जिसमें शिवपाल सिंह यादव नहीं गए। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों के पास की सूचना है कि लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया बैठक में। मैं 2 दिनों से इस बैठक के लिए रुका था, उसके बाद भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से दोनों नेताओं के रिश्ते बेपटरी होते नजर आ रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। आज का सुविचार, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जब इंसान को सफलता मुश्किलों से गुजरकर मिलती है तभी वह उसकी कद्र करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।